वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन ब्रेड। 3 कप मैदा, इसमें 1 अंडा डालना है, 1 चम्मच शुगर, 1 चम्मच नमक, 2 टीस्पून ईस्ट, 4 टीस्पून ऑयल। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसमें 1/2 कप गरम दूध डालना है और उसको मिक्स करना है। इसको गरम पानी से अच्छी तरह गूंद लेना है, जिस तरह आटे को गूंदते हैं। अब ये पेड़ा बन गया है, इसको ढक के रखना है कम से कम 2 घंटे। उसके बाद एक फ्राई पैन ले लें, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालें, प्याज डालें, इसको हल्का सा शैलो फ्राई करें। फिर लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच वो डाल के मिक्स करें। 5 मिनट के बाद आप इसमें वेजिटेबल्स, शिमला मिर्च, गाजर, जैतून, ये सब डाल के आप मिक्स कर लें। उसके बाद आप अब इसमें कुटी हुई रेड मिर्च और ओरिगानो ब्लैक पेपर डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। उसके बाद इसमें बॉईल हुआ हुआ चिकन 1 कप डाल दें और अच्छी तरह इन सबको मिक्स करें। 3 मिनट के बाद थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैदा इसमें डाल के इसको मिक्स करना है। उसके बाद 1/2 कप दूध डाल के इसको अच्छी तरह पकाना है 2 मिनट। जैसे ही इसकी थिकनेस हो जाए और ये सही हो जाए तो इसमें थोड़ा सा वाइट नमक डालना है और इसको उतार लेना है और ठंडा करने के लिए किसी प्याले में रख दें। जो पेड़ा हमने रखा था अब उसके 2 हिस्सों में डिवाइड करके पेड़ा बनाना है, बेल लेना है उसको अच्छी तरह, और उसके दरमियान में जो हमने मसाला बनाया था वो दरमियान में रखना है और छुरी की मदद से इस तरह से कट लगाना है और इस तरह से एक एक करके स्टेप उठाना है और इस तरह ब्रेड की हमारी शेप आ जाएगी बहुत खूबसूरत सी, बहुत सॉफ्ट हाथों से करते जाएं। ये मुकम्मल हो गया। अब ये हमने दूसरा बनाया, इसमें हमने चीज़ डाल दी है, डिफरेंट स्टाइल का करने की कोशिश की है कि ज़रा डिफरेंट टेस्ट आएगा, तो चीज़ डाल दी है। इसको भी इसी तरह लपेटें और छुरी की मदद से इस तरह से बारीक बारीक से कट लगाने हैं, लेकिन ऐसा हो कि बाहर तक कट ना जाए और इसको बहुत आराम से इस तरह करना है। हमारी ब्रेड्स तैयार हो गई हैं। अब इसके ऊपर एग फेंट लेने हैं, उनसे हमने इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगाना है और ओवन में रख देना है। ये हमारी चिकन ब्रेड तैयार हो गई, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर बटर लगाना है ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, कुछ सेकंड के लिए 20 सेकंड के लिए छोड़ दें और उसके बाद ये देखें। अब आप ब्रेड को काट लें और ये देखें बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट बनी है।